Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of computer study. In this lecture, we discuss about the data communication. We already discussed in different lectures about the data communication, how the data is transferred from one location to another location, from source to destination. This lecture is basically to understand the working of modem, what is modem and how we can transfer the data through the modem. Modem communication पढ़ने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम कोर्स. ये हमारे पास एक पुराना जो हमारे पास सिस्टम था कोर्स का, जो प्लेन हमारे पास सिस्टम है. अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास बेसिकली ये सिस्टम क्या था कि ये हमारी जो टेलीफोन लाइन्स थी, उन टेलीफोन लाइन्स के ऊपर हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली ये सिस्टम क्या होता था, यूज़ होता था. तो ये अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर क्या चीज़ें यूज़ होती थी, टेलीफोन लाइन्स यूज़ होती थी. टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए हमारा डाटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता था एक जगह से दूसरी जगह. जैसे हमारे पास ओल्ड हमारे टेलीफोन सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ये पोर्ट्स यूज़ होता था. स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स यूज़ होती थी. टू वे वॉइस कम्युनिकेशन यूजेस एनालॉग ट्रांसमिशन टेक्निक, मीन के हमारे पास जैसे हमें पता है कि हमारी टेलीफोन लाइन्स के ऊपर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है. तो ये बेसिकली जो पोर्ट्स हैं हमारे पास प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, ये एनालॉग क्या करते थे, हमारे पास ट्रांसमिशन मोड था इसके अंदर. यूजेस एनालॉग ट्रांसमिशन टेक्निक्स कि जिसके अंदर हमारे पास एनालॉग डाटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता था. डाटा कम्युनिकेशन इज़ स्लो, इसकी स्पीड क्या होती थी, स्लो होती थी. अब मैं इसको मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव लेक्चर हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी वर्किंग के ऊपर चला जाऊं, डिटेल के अंदर चला जाऊं, तो ये फिर हमारे जो स्पेसिफिक लेक्चर बन जाएंगे आईटी के लोगों के लिए. तो मोडेम बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली हमारा मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर. व्हाट इज़ मीन बाय मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर? मॉड्यूलेशन के अंदर जब हम मॉड्यूलेटर की बात करते हैं, तो मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द डिजिटल टू एनालॉग. मीन के हमारा जो डाटा मेरे बच्चे हमारे कंप्यूटर में सेव होता है, वो हमारे डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है. तो जब हमारा डिजिटल, हमने डाटा क्या करना है, टेलीफोन लाइन्स के ऊपर सेंड करना है, तो हमारा जो टेलीफोन लाइन्स के ऊपर जो डाटा है, ठीक है, वो क्या होना है, सेंड होना है. ठीक है, अब टेलीफोन लाइन्स के ऊपर किस फॉर्म में सेंड होता है, एनालॉग फॉर्म के अंदर डाटा सेंड होता है. तो कोई ना कोई तो ऐसी डिवाइस होगी ना जो हमारे पास हमारे डिजिटल सिग्नल्स लेगी, डिजिटल डाटा लेगी और डिजिटल डाटा को कन्वर्ट कर देगी हमारे एनालॉग डाटा में, ताकि हमारे उस मीडियम के ऊपर क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके. तो बेसिकली क्या चीज़ यूज़ होती है दरमियान में, मोडेम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने यानी कंप्यूटर्स को डिजिटल वायर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम मोडेम यूज़ करते हैं. तो मोडेम हमारे बेसिकली डाटा क्या करती है, कन्वर्ट करती है कंप्यूटर्स के अंदर जो सेव डाटा होता है डिजिटल को, उसमें किस में तब्दील कर देगी, एनालॉग में. इसी तरह अगर जब उधर से डाटा आ रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो किस फॉर्म के अंदर है, हमारा एनालॉग फॉर्म के अंदर है. तो कंप्यूटर में तो डिजिटल फॉर्म में आज प्रोसेस होता है, तो हमारे पास फिर उसको वापस एनालॉग से किस में तब्दील करना, डिजिटल में तब्दील करना, डी मॉड्यूलेशन कहलाता है. तो मोडेम वर्क एज अ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर. मोडेम हमारी जो डिवाइस है वो बेसिकली हमें इंटरनेट के साथ क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है. हम इंटरनेट से जब भी क्या कर रहे होंगे, वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, तो बेसिकली क्या चीज़ यूज़ होगी, हमारी मोडेम यूज़ होगी. तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि एक तो हमने ये देखा कि मॉड्यूलेटर के तौर पर क्या करती है, यूज़ होती है, और डी मॉड्यूलेटर के तौर पर क्या होती है, यूज़ होती है. तो हमारे पास हमने यहीं पर देखा कि मोडेम हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम क्या है, कन्वर्ट द डाटा फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट टू एनालॉग फॉर्मेट एंड एनालॉग टू डिजिटल फॉर्मेट. तो स्पीड मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड, जो हमारा इसकी स्पीड होती है मोडेम्स की, वो किस में मेजर की जाती है, बिट्स पर सेकंड. करंट फास्टेस्ट स्पीड इज 56 किलोबिट्स पर सेकंड, बल्कि अब तो हमारे पास 112, ठीक है, हमारे पास बिट्स पर सेकंड भी आ गई हुई हैं. तो क्वालिटी ऑफ द फोन लाइंस डिक्टेट द स्पीड, के जितनी हमारे फोन लाइंस की क्वालिटी होगी उसके हिसाब से हमारी मोडेम की क्या होगी, स्पीड होगी. V2992 इज द करंट मोडेम स्टैंडर्ड. सेवरल टाइप्स ऑफ मोडेम हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स की मोडेम होती हैं. इंटरनल मोडेम है, इंटरनल मोडेम से मुराद यह है कि हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर क्या लगी हुई होगी, ऑलरेडी लगी हुई होगी. सपोज हमारा सिस्टम है, लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर जो हमारे पास ऑलरेडी
हमारे पास इंस्टॉल्ड मोडेम होगी, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल मोडेम। इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल मोडेम, जैसे आप लोग देखते हो कि हमारे पास जब आप लोगों ने अपने घर में इंटरनेट लगवाते हैं तो हमारे वो PTCL वाले या जिस कंपनी का लगवाते हैं तो वो आपको एक डिवाइस दे के जाते हैं, क्या होती है बेसिकली वो मोडेम दे के जाते हैं। तो वो मोडेम हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल मोडेम होती है। इसी तरह हमारे पास वॉइस मोडेम है और सेक फैक्स मोडेम है। वॉइस मोडेम के जरिए हमारे पास हम वॉइस डाटा क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए यूज़ होती है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जैसे अब ये देखेंगे इसके यूजेस क्या हैं, मोडेम्स कम्युनिकेशन, मोडेम यूजेस कनेक्शन टू द इंटरनेट। एक तो हमारे पास क्या है, इंटरनेट से हमें कनेक्ट करती है, फाइल ट्रांसफ़र यानी डाटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ठीक है, कि हमारे पास किसी नेटवर्क के ऊपर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। इन दोनों का फ़र्क, अभी ये वर्ड आ गया तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। देखें, मैंने हम कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख चुके हो कि हमारे पास सर्वर कंप्यूटर की मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे बाकी सारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जब हम एक हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, इससे जब डाटा एक बड़े कंप्यूटर के ऊपर सेंड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो, फेसबुक के ऊपर अपनी तस्वीर अपलोड करते हो, तो हम कहते हो हमने अपलोड की है। तो क्यों कहते हो अपलोड की है, रीज़न कोई ना कोई होनी चाहिए ना, अपलोड क्यों कह रहे हैं, उसे हम डाउनलोड क्यों नहीं कह देते। ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर लेके आते हो वहाँ से, तो आप कहते हो कि हमने डाउनलोड की है, उसे अपलोड क्यों नहीं कह देते मेरे बच्चे। जब हम एक छोटे कंप्यूटर से या छोटे हमारे सिस्टम से डाटा हम क्या कर रहे होते हैं, बड़े कंप्यूटर के ऊपर या बड़े सिस्टम के ऊपर डाटा क्या कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपलोडिंग। तो इसी तरह अगर हम एक बड़े सिस्टम से, ठीक है, अगर वापस अपने PC पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। तो हमारा फेसबुक का एक बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है, हमारा सर्वर कंप्यूटर है, हम सर्वर कंप्यूटर के जब कोई चीज़ सेंड कर रहे होते हैं, अपनी तस्वीर अपलोड कर रहे होते हैं, तो उस कंप्यूटर के ऊपर सेंड कर रहे होते हैं, तो उसी का हम इसलिए क्या कहते हैं, अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह अगर वहाँ से हम अपने कंप्यूटर के ऊपर लेके आ रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं। तो अपलोडिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास वी सेंड द डाटा फ्रॉम लोअर कैपेसिटी कंप्यूटर टू हायर कैपेसिटी कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर। व्हेन वी सेंड द डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू सर्वर कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग, एंड फ्रॉम व्हेन वी डाउनलोड आर रिसीव द डाटा फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज डाउनलोडिंग। तो हमारे पास ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का, ये हमारे मोडेम के थ्रू हम करते हैं। इसके बाद है डिजिटल डाटा कनेक्शन। डिजिटल फोन लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, कुछ यूज़ होती हैं, लोकल टेलीफोन कंपनीज आर अपग्रेडिंग, ठीक है, हमारे पास इनको क्या कर रही हैं, अपग्रेड्स कर रही हैं, सर्विसेज विल बी फास्टर एंड मोर रिलायबल। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स की हम बात कर लेते हैं, या अब हमारे जितनी भी कंपनीज हमें नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, इन चीज़ों की तरफ वो लेके आ रही हैं, डिजिटल फोन लाइंस की तरफ लेके आ रही हैं, जिसके ऊपर डिजिटल डाटा क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। न्यू फोन्स विल बी नीडेड, मोडेम्स विल नीड टू बी अपग्रेडेड। मोडेम्स भी हमारे पास क्या है, अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास के जो डाटा होगा, डिजिटल फोन लाइंस अगर हम यूज़ कर रहे होंगे तो उसके ऊपर डिजिटल डाटा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह डिजिटल डाटा कनेक्शन के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हमारे पास होते हैं, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, एनी डाटा कनेक्शन फास्टर देन 56 KBPS किलो बिट्स पर सेकेंड। कोई भी ऐसा कनेक्शन जो हमारे पास 56 KBPS से बड़ा होगा, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहलाएगा। कॉमन इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, यूज़ होता है। इस तरह बिकमिंग पॉपुलर इन होम इंस्टॉलेशन, अब घरों के अंदर भी ज़्यादातर क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है, बेसिक रेट्स यूजेस 3 चैनल्स। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 डाटा चैनल्स ईच सपोर्टेड 64 Bps KBPS। एरर करेक्शन चैनल हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट चैनल्स यूज़ होते हैं, अब उनकी हम डिटेल नहीं जाके, आप लोगों को इस चीज़ का क्या याद रहना चाहिए, ISDN हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। ISDN जो हमारे पास है, इंटीग्रेटेड सर्विस सर्विसेज डिजिटल हमारे पास क्या है, डिजिटल नेटवर्क है। अब ये बेसिकली है क्या, ठीक है, ए सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर सिमुलेशन सिमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन। कि हम क्या कर रहे हैं, डाटा इसके थ्रू सेंड करते हैं, वॉइस वीडियो डाटा हमारा क्या हो रहा होगा, सेंड हो रहा होगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क सर्विसेज हमारे पास क्या होंगी, ये यूज़ होंगी। जब हम ISDN की बात करते हैं तो हमारे पास किसकी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली वर्क ऑन द स्टैंडर्ड बिगिन इन 1980 के अंदर, हमारे पास ये स्टैंडर्ड बना था बेल लैब्स के अंदर, ठीक है, जिसको हम 1988 के अंदर किस चीज़, CCITT का नाम दे दिया गया था।
तो ये बेसिकली हमारा जो एक नेटवर्क स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डाटा क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है वॉइस, वीडियो और हमारे पास ऑडियो डाटा नेटवर्क के ऊपर सेंड करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी रेट यूजेस 24 डाटा चैनल्स, जिसके अंदर डाटा चैनल्स डिफरेंट हमारे पास बने होते हैं। ये सिर्फ आप लोग जैसे यहाँ पे देखें, हम क्या करते हैं, ये डिजिटल लोकल टेलीफोन लाइन्स हैं जो हमारे पास लगी हुई हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं इसके अंदर। तो इसके बाद हमारे पास ISDN अडाप्टर है, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई ISDN अडाप्टर होगा जिससे हमारा डाटा क्या हो रहा होगा, ट्रांसफ़र हो, ये हमारे सिस्टम से ISDN अडाप्टर के ऊपर डाटा आएगा और इसके बाद हमारे पास क्या है, इन लाइन्स के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। टी लाइन्स क्या होती हैं? अब टी लाइन्स हमारे पास हाई कैपेसिटी वॉइस डाटा लाइन्स, बेसिकली ये जो हमारे पास हैं टी लाइन्स की, जब भी हम बात करेंगे तो ये बेसिकली हाई कैपेसिटी लाइन्स होती हैं जिसके ऊपर वॉइस डाटा क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे टी लाइन्स की, तो टी लाइन्स बेसिकली यूज टू कंट्रोल द फोन एंड डाटा, बेसिकली हमारे पास फोन और टी कैरियर लाइन्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको डिफरेंट इसके वर्जन भी होंगे, T2, T3, सर्किट चैनल्स, ठीक है, मल्टीपल T1 चैनल्स, मल्टीप्लेक्सिंग। अब टी लाइन्स के अंदर हमारे पास इनका पर्पज़ क्या है, ठीक है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन है हमारे पास, ये जो हमारे टेलीफोन लाइंस हैं टी कैरियर यूज टू कंट्रोल द फोन एंड डाटा सेवरल वेरियंट्स, T1 ट्रांसमिट एट द 1.544 Mbps पर सेकेंड, T3 ट्रांसमिट एट द 44, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब मेरे बच्चे, मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, जो मेरी टी लाइन्स होती हैं ये बेसिकली हमारी डेडिकेटेड लाइन्स होती हैं, डिजिटल लाइन्स होती हैं जो हम परचेज करते हैं किसी भी कंपनी से, ठीक है, डेडिकेटेड लाइन्स। टी लाइन से मुराद ये क्या है, हमारे पास डेडिकेटेड लाइन्स होंगी, जब आप लोग अपना नेटवर्क इंटरनेट यूज़ करते हो या DSL यूज़ कर रहे होते हो तो बेसिकली वो शेयर्ड होता है, लेकिन जो हमारे पास टी लाइन्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास टी कैरियर लाइन्स इनको कहा जाता है, तो ये बेसिकली हमारी डाटा लाइन्स होती हैं और इनकी जो हम परचेज करते हैं ये डेडिकेटेड होती हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है, टी कैरियर लाइन्स आर द हाई स्पीड डेडिकेटेड डिजिटल लाइन्स, ये बेसिकली क्या है, हाई स्पीड डिजिटल लाइन। अब इसका काम क्या है, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, दैट कैन बी लीज फ्रॉम द टेलीफोन कंपनीज, हम टेलीफोन कंपनी से, डिफरेंट कंपनी से क्या करते हैं, इनको लीज करते हैं। जैसे हमारे पास T1 लाइंस है, ठीक है, अब इसकी ट्रांसमिशन स्पीड अभी हमने बात कर ली कि 1.44 Mbps है, इसी तरह ये बेसिकली क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड डिजिटल कम्युनिकेशन पाथ हमें प्रोवाइड करती है, कि जिसके जरिए हम डेडिकेटेड कम्युनिकेशन होगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह। अब डेडिकेटेड से मुराद ये मैं बता दूं कि सपोज एक कोई भी एक चीज़ है वो आप लोग के लिए डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड से मुराद ये वो आपके लिए है, किसी और काम के लिए नहीं है। तो जब आप डेडिकेटेड लाइन यूज़ कर रहे होंगे तो इसका मतलब उस लाइन के ऊपर सिर्फ आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा, किसी और का डाटा शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह DSL टेक्निक्स, अब हमारे पास डिजिटल डाटा कनेक्शन, DSL जो आप लोग घरों के अंदर लगवाते हो, DSL टेक्नोलॉजी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, पॉपुलर विद द होम यूज़र, ज़्यादातर आप लोग घरों के अंदर ये लगवाते हैं। स्पीड रेंज फ्राम 100 KBPS, यानी इसकी स्पीड की रेंज कहाँ से होती है, 100 kbps to 30 Mbps, ठीक है, Mbps। तो अब इसी तरह हमारे पास एसिमेट्रिकल DSL, ADC DSL होता है हमारे पास, ठीक है, अपलोड स्पीड इज़, जो हमारा ADSL होता है उसके अंदर अपलोड स्पीड इज़ स्लोअर देन डाउनलोड स्पीड। इसी तरह इसका उलट होता है, सिमेट्रिकल DSL, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, अपलोड स्पीड इज़ हायर देन डाउनलोड स्पीड। तो हमारे पास रिक्वायर्स अ DSL मोडेम, इसके लिए कनेक्ट करने के लिए हमें DSL मोडेम चाहिए होती है, जो आपको PTCL वगैरह वाले दे के जाते हैं। डिजिटल डाटा कनेक्शन, केबल मोडेम कनेक्शन, पॉपुलर विद होम ऑफिस यूज़र, हमारे पास ये केबल मोडेम कनेक्शन भी यूज़ होते हैं। स्पीड बिटवीन 1 and 3 Mbps रिक्वायर अ केबल मोडेम, इसके लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसको केबल मोडेम की ज़रूरत होती है। अब ATM की हम बात कर लेते हैं, ये वो वाला ATM नहीं है मेरे बच्चे जो आप लोग यूज़ करते हो, आप लोग बैंक में जाके यूज़ करते हो, वो हमारी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ठीक है। ये हमारे पास ATM क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, ये हमारे पास हम जब बात करते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड हमारे पास की बेसिकली है क्या, इज अ स्विचिंग टेक्निक, ठीक है, स्विचिंग टेक्निक्स है जो कि हमारे पास जो कि कौन यूज़ करता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़र इसको यूज़ करता है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या यूज़ करती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टू एनकोड द डाटा इनटू स्मॉल फिक्स साइज सेल, यानी अब ये आप लोगों को ये बात नहीं समझ आएगी कि हमारे पास फिक्स साइज सेल से क्या मुराद है,
यानी ये समझ ले कि जो हमारा डाटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, उनको क्या कर दिया जाता है, पैकेट्स के अंदर तकसीम कर दिया जाता है। अब उन पैकेट्स का यानी साइज़ क्या होगा, फिक्स होगा, और उन फिक्स साइज़ को क्या करने के लिए ये बेसिकली ATM जो मोड होता है, ट्रांसफ़र मोड होता है, ठीक है, ये डाटा को क्या करता है, सेंड करता है, स्विच करता है एक हमारे पास टाइम टाइम फ्रेम के अंदर। इसके अंदर टाइम फ्रेम यानी टाइम को डिवाइड किया होता है, मल्टीप्लेक्स किया होता है, तो उसी टाइम के अंदर क्या होगा, डाटा ये ट्रांसफ़र होगा। तो एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ द वीडियो एंड साउंड रिक्वायर अ स्पेशल NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए होता है, हार्डवेयर चाहिए होता है। इसके बाद वायरलेस नेटवर्क, अब वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, नो केबल टू बी पुल, कि हमें कोई केबल नहीं लगानी पड़ती। इससे जब केबल हम नहीं यूज़ कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह, सपोज मैं घर में एक जगह पे बैठा हूँ तो हमारे पास जाए दूसरे कोने में चला जाता हूँ, तो उससे मुझे क्या होगा, कोई केबल वगैरह साथ नहीं पुल करके लेके जानी पड़ेगी, उठा के नहीं लेके जानी पड़ेगी, तो मेरा नेटवर्क जो है स्टेब्लिश रहेगा, ठीक है। इस तरह मोबाइल डिवाइसेस एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्सेज, मोबाइलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द ऑफिसेज वर्कर्स, जितने भी ऑफिसेज के अंदर क्या हो रही हैं ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, मोबाइलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वायरलेस 802.11 आल्सो कॉल्ड द वाईफाई, IEEE स्टैंडर्ड, इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेवरल हमारे पास डिफरेंट वर्जन इनके आए, ये इनकी डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है जो हमें वायरलेस के सिग्नल जनरेट करके देता है, कि हमारे पास सेंटर ऑफ द वायरलेस नेटवर्क, जहाँ पे हम वायरलेस नेटवर्क रिसीव हो रहा होगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे मजीद वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज़ करेंगे, जो हमें मजीद आगे सिग्नल्स को प्रमोट करेगा, ठीक है। इसी तरह सेंटर ऑफ द वायरलेस नेटवर्क वेब्स कंबाइन अ कवर अ लार्जर एरिया, डिस्टेंस टू वेब डिटरमाइंस बैंडविड्थ, ठीक है, हमारे पास के एक वेब से कितना डिस्टेंस होगा उसकी बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस टू वेब वायरलेस एक्सेस पॉइंट डिटरमाइंस द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ हम लाते हैं कि कितना डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, रेंज इज 50 to 150 meters, इसकी इतनी रेंज होती है, इतनी रेंज के अंदर हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। एक्सटेंशन पॉइंट्स कैन बी एक्सटेंडेड रेंज, हम एक्सटेंशन पॉइंट्स इसके अंदर अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसके जरिए हम इसकी रेंज क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वायरलेस अडाप्टर है, ये उन डिवाइसेस के अंदर लगा होता है, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर हम वायरलेस नेटवर्क क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उन मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के अंदर क्या लगा होगा, एक वायरलेस अडाप्टर लगा होगा, जो हमारे वायरलेस सिग्नल्स को क्या करेगा, यूज़ करेगा, ठीक है। और तो जब हमारे पास ये वायरलेस सिग्नल्स जो अडाप्टर्स होंगे, ठीक है, वो रिसीव सिग्नल रिसीव करेगा, और आगे हमारे पास क्या होगा, हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर लेगा वायरलेस नेटवर्क के साथ। यूज बाय द डिवाइसेस टू कनेक्ट इंक्लूड द सिग्नल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके साथ हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर भी मौजूद होते हैं, जो हमारे वायरलेस नेटवर्क से कनेक्शन कराते हैं। तो ये सिर्फ थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मेटिव लेक्चर था, जो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है।